अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उदास है, मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। चलिए तो चलते हैं, कहीं जाना है बहुत ही अर्जेंटली, वो भी आज। कुछ फंक्शन है, यानी मेरे भाई की आज मेहंदी फंक्शन है, तो मैं वहीं जा रही हूँ मुरैना। चलिए तो हस्बैंड भी आ रहे हैं, काम पे गए हुए हैं, वहीं से आ जाएंगे। और जल्दी से मैं थोड़ी पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ, थोड़े कपड़े वगैरह रख लूँ, क्योंकि सुबह में ही वापस भी आना है और फिर सर्दी भी है, उसी अकॉर्डिंग मुझे कपड़े भी एडजस्ट करना होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े नहीं रख के ले जाऊँगी, थोड़े ही ले जाऊँगी। चलिए तो चलते हैं जल्दी से, पहले कपड़े वगैरह पैकिंग कर लेती हूँ जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। बारिश को मैंने नहला दिया है इसीलिए कि जल्दी से, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, एक बजा है ओनली। चलिए तो कपड़े पैक कर लेती हूँ, फिर डायरेक्ट आपसे रेडी होकर मिलती हूँ। ठीक है, मस्त लग रहा है कलर। बारिश इधर देखो, क्या कर रहे हो? कहाँ आ रहे हो? मुरैना। क्यों? मामू की शादी है, उनको तो दावत से मतलब है बस। चलो चलिए तो फाइनली हम हो गए हैं रेडी, अब निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। और उससे पहले आरे से कुछ मंगा रहे थे हस्बैंड, तो वो वही लेकर आएगा, फिर हम निकलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे आपको। ये मेरी मेहंदी है, चिमरन ने लगाई है। सिमरन ने, ये मेरी है। जय ने तो देखा, आज बाने आओ जल्दी, अंदर आके बता दिया मम्मा को। ऐसे दगा यूं करके ये लगी है मेहंदी, बोला दगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पैर दगा। ये ना चप्पल बना दी है साइड से, देखी चप्पल पहन लो। ये काजल वाली, ये का फोन आ चुका है। अच्छा मालूम करो, मैं जा रही है, अपन बाद में देखेंगे, अभी वो कह रही है मैं दिखाऊं मती, अपन बाद में देखेंगे। और ये मेहंदी लगवा रही है सोनी भाजी, इनको फूल बनवाने हैं। सो रहा है। इतनी बढ़िया बढ़िया मेहंदी काढ़ी है सिमरन ने, बहुत ज्यादा। ये सिमरन ने काढ़ी है, ऑयल में निकाली है ऐसी। क्या ऐसी मेहंदी? वो ऐसी होता है, अपन काढ़ देते हैं ना, रिएक्शन। मैंने ना अली का मेकअप करा है। अली ब्लैक कर दिया।
आगे सर कैमरा देख के समझ जाते हैं। आज बारिश और राजीन अली से लग रहे छोड़ छोड़ मुंह थ्योरी को तो बड़ा वाला जे दोनों भैया है ये रहा हमारा बड़ा वाला जैन का है जैन का तुम आए हैं जैन जैन का पिज़्ज़ा कोई नहीं पता वो पता नहीं थी अब पता चले नहीं मेरे से पहुंचने से एक दिन पहले हल्दी हो गई थी, तो उसमें सब ने डांस किया था, अम्मी ने, नाज ने, गुनगुन ने, तो मैं वही वीडियो देख रही हूँ। और सारी ममानियों ने डांस किया था, भाभियों ने। अब हो चुके हैं अजबा के हेयर कटिंग और वो रोल नहीं, इसके लिए उनको दिए किंडर जॉय। और अजबा बहुत सारी चीज़ लेके आई है, उनके पापा ने दिलाई हैं। अजबा आपका हेयर कट हो गया, अस्सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। और ये उनकी सिस्टर ने उनको जो दे दिए हैं खाने को, मटर पुलाव। देखिएगा इसे कैसे खाती हैं, दो दो चमचियों से चमची चेंज कर कर के, एक 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 चमची ये रही और एक चमची ये रही। अरे कोई नहीं खा लो, और तुम कहेंगी सब खा गई। हाँ ओपन कर दूँ अम्मी के लिए। अरे सही, अभी रुक जाओ, उसको बंद कर दूँ मैं कैमरे को, फिर दिखाता हूँ। यस ब्लॉगिंग ऑन। तैयारियाँ जोरों छोरों से हैं, छोरों छोरों से। टाइम कितना हो गया मुझे कोई बताएगा? ये कितना बज रहा है? साढ़े छः बज रहे हैं। अभी हमको तैयार होते होते 12 बजेंगे, फिर हम जाएंगे 1 बजे। अजबा अपनी ड्रेस दिखाओ। अजबा अच्छी वाइफ नहीं आ रही। पायल किसने तैयार कराया आपको? अरे ये तो नसीब है। बस स्टॉप। अरे इधर आओ। तो देखते हैं अभी, ये आरिश तो फ्री हो गए, अब बारिश होंगे डैडी। क्या नहीं अभी और हो गए थोड़ा सा और। चलिए तो मेहंदी फंक्शन अटेंड करने के लिए सारे लोग हो रहे हैं रेडी जल्दी जल्दी, और मैं रेडी हो गई हूँ। मैं अपना पूरा फाइनल लुक आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, सब लोगों का, बच्चों को रेडी कर रही हूँ, और मोइन, नईम, हस्बैंड सब रेडी हो रहे हैं, नाज भी रेडी हो रही है, बच्चों को भी कर रही है, और बातें चल रही हैं। सब लोग इकट्ठे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बातें छिड़ जाती हैं, जब चार जने होते हैं तो हंसी मजाक भी चल रहा था। चलिए तो ये वीडियो कंटिन्यू चल रही है, आप लोगों को सारा अपडेट देती रहूँगी। आप लोग मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेहंदी का पूरा फंक्शन अगर आपको देखना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में बने रहना, उसमें पूरा फंक्शन आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और देखना मेरे भाई की मेहंदी का फंक्शन है ये। चलिए तो बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना।